सब्सक्राइब कीजिए सिविल नोटबुक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की लेसन में हम लोग सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कभी कभी हम लोगों को सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर के बीच में कॉन्फ्यूजन होता है। सो फ्रेंड्स, इस लेसन में पहले हम लोग इस कॉन्फ्यूजन को दूर करेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर के अंदर बिल्डिंग के कौन सा पार्ट्स आता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की लेसन को। फ्रेंड्स, पहले हम लोग जानेंगे सब स्ट्रक्चर क्या है। फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं, ये है ग्राउंड लेवल, जिसको हम लोग GL कहते हैं। अब दोस्तों, इस ग्राउंड लेवल के नीचे जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको हम लोग कह रहे हैं सब स्ट्रक्चर। इसके अंदर आता है जैसे कि आपका प्लिंथ, बीम एंड फुटिंग एटसेट्रा। ओके, अब दोस्तों, जो सब स्ट्रक्चर है ये डायरेक्ट सॉइल की कांटेक्ट में रहता है। दोस्तों, इसका काम है बिल्डिंग की जो टोटल लोड है इसको जमी पे ट्रांसफर करना। द सब स्ट्रक्चर इज द लोअर पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड लेवल। द फंक्शन ऑफ द सब स्ट्रक्चर इज द ट्रांसफर ऑफ लोड्स फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू द अंडरलाइंग सॉइल। सो द सब स्ट्रक्चर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सपोर्टिंग सॉइल। सब स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स फुटिंग एंड प्लिंथ ऑफ ए बिल्डिंग। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, ये है आपका ग्राउंड लेवल, ओके, GL। अब दोस्तों, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर जितना भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इनको हम लोग कह रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर। ओके दोस्तों, इसके अंदर वॉल, डोर, विंडो, लिंटेल, बीम, कॉलम, स्लैब एटसेट्रा इनके अंदर आता है। फिनिशिंग भी इनके अंदर ही आता है। ओके सो फ्रेंड, सुपर स्ट्रक्चर है, ग्राउंड लेवल के ऊपर जितना भी हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो इसको हम लोग कह रहे हैं सुपर स्ट्रक्चर। द सुपर स्ट्रक्चर इज द पोर्शन ऑफ ए बिल्डिंग व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड अबव द ग्राउंड लेवल एंड इट सर्व्स द पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर्स इंटेंडेड यूज। दोस्तों, इसको हम लोग यूज के लिए बना रहे हैं, बट जो सब स्ट्रक्चर था ये सिर्फ लोड को ट्रांसफर कर रहा था, इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। ओके, इट इंक्लूड्स कॉलम्स, बीम्स, डोर एंड विंडो शेड्यूल्स, फ्लोरिंग, रूफिंग, लिंटेल्स एंड पैरापेट्स, ऑल फिनिशेस। ओके, ये सब सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आता है। सो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग समझ गए हैं क्या है सुपर स्ट्रक्चर, क्या है सब स्ट्रक्चर। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेसन पे।